इस गाड़ी को मत चलाना, इसका ब्रेक फेल है। अरे रूबी, वहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ। हाँ आ रही हूँ कविता। और तू मैकेनिक है या डफर है? तेरे को इतना नहीं पता क्या खराब हो रखा है? कब से लगा पड़ा है यहाँ पे? हाँ, क्या खराब हुआ इसमें? वो मैडम उसका ब्रेक ऑयल चेक कर रहा था। एक दो मिनट रुको, अभी देता हूँ। हाँ, ब्रेक ऑयल हो या इंजन ऑयल हो, जल्दी से सही कर, ये तो तेरा ऑयल निकाल दूंगी मैं यहाँ पे। आया बड़ा मैकेनिक तो है, दिखता नहीं है। जी मैम, दो मिनट दीजिए, भी कर दो। ये लगा हो गया। चलिए मैं चलता हूँ। अरे रूबी, तुम्हें पता नहीं है कि तुम लेट हो रही हो ऑफिस के लिए? अरे कब जाओगी? हाँ जाती हूँ। देखो तुम्हारे ही पैसे कटेंगे अगर तुम ऑफिस टाइम से नहीं पहुँची। लो पकड़ो चाबी और निकलो, जल्दी जाओ, मुझे भी किसी काम से जाना है। ठीक है। जा जा, मुझे पता है तू कहाँ पहुँचने वाली है। ऑफिस तो तू तब पहुँचेगी ना जब तुझसे ब्रेक लगेगा। ब्रेक तो लगने वाला नहीं है और तू सीधे स्वर्गवास पहुँचेगी। ओह माय गॉड, ये गाड़ी चल रही है, इसका ब्रेक क्यों नहीं चल रहा? ओह माय गॉड, ओह शिट, अब मैं कैसे करूंगी? ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? क्या हो गया मैम? सर सर प्लीज, इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, मैं बहुत परेशान हो गई थी, एक्सीडेंट होते होते बच गया, मैंने झटके से गाड़ी बंद करी है। वो तो मैंने देख लिया, आप परेशान हो रहे थे, मैंने देखा गाड़ी में आपको, ब्रेक खराब हो गया इसका। हाँ एक तो गाड़ी साइड में लगाइए, एक सेकंड मैं लगाता हूँ गाड़ी साइड में। सर मुझे नहीं पता कि इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत मुश्किल से मैंने गाड़ी को हैंडल किया है। और सर आप मेरे एक छोटा सा काम करेंगे प्लीज? आप अपना फोन दीजिए, मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप उस पर कॉल मिलाइए। सर आप ना इस नंबर पे बोलिए कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और क्या कहते हैं वो लड़की भी बची नहीं, बस आपको इतना बोलना है, प्लीज बात कर लीजिए। हेलो, हाँ जी मैडम, ये मैडम का एक्सीडेंट हो गया और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई है और यहाँ पे प्रशासन आया, पूरी टीम आई हुई है, आप जरा ना इस लोकेशन पे आ जाइए, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ जी ओके मैडम। मैडम वैसे आपने ये झूठ क्यों बुलवाया मुझसे? सर वो ना मैं आपको सारी बातें अभी 10 मिनट बाद बताऊंगी, एक बार मेरी बहन को आ जाने दो, उसके बाद आपको सब खुद समझ आ जाएगा कि मैंने आपसे ये झूठ क्यों बुलवाया और ये सिचुएशन क्यों हुई है, बस आप 10-15 मिनट रुको, वो आती होगी। ठीक है, वो तो भगवान का शुक्र है आप बच गए, सच में अगर गाड़ी ठुक जाती तो? सच में भगवान का ही शुक्र है, वरना तो उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। ठीक है सर, हम वेट करते हैं। ठीक है मैडम। गाड़ी तो बिल्कुल सही है। सर क्या हुआ मेरी रूबी को? आपने बोला वो मर गई है, कैसे मरी? सर कहाँ है मेरी बहन? मुझे उससे अभी मिलने है, प्लीज। हो गई उनकी? क्या? मैं जिंदा हूँ। अच्छा अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है या बुरा फील हो रहा है? हाँ सर रूबी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरी बहन जिंदा है, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुश नसीब भी हूँ। अच्छा और बस करी ड्रामा, शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बहन कहते हुए। चंद पैसों के लिए तूने ये सारी हरकतें करी? अरे गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया, ये सोच कर कि हाँ हादसे से छुटकारा मिल ही जाएगा और इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। सर आप पूछ रहे थे मुझसे आपने ये झूठा कॉल क्यों करवाया मुझे, तो इसलिए मैंने आपसे झूठ बुलवाया क्योंकि मेरी बहन ने मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया। ये गलत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे मैडम, मैडम ने ना कंप्लेंट भी करवा दी और मैंने दर्ज भी कर दिया। तुझे कोई गलत फहमी हो रही, तू मेरी बहन है। हाथ मत लगा अपने गंदे हाथों से मुझे, और अभी भी बॉनेट में वो पर्चा लिखा हुआ जो मैकेनिक ने मुझे दिखाया था, वो तो उस टाइम। इस गाड़ी को मत चलाना, इसका ब्रेक फेल है। अरे रूबी, वहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ। हाँ आ रही हूँ कविता। अभी मैंने
पढ़ा, उसने मुझे बताया कि गाड़ी का ब्रेक फेल है, इसमें मत बैठना। फिर भी मैं बैठ गई क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है अपनी बहन के साथ। कविता, तू ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, मैं तेरी अपनी बहन हूँ, मैंने किस चीज की कमी छोड़ी? हर चीज, पैसा, घर, इज्जत, नाम, सब कुछ दिया, और तूने क्या किया मेरे साथ? मुझे थोड़ा सा लालच हो गया था, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। मेरे कोई प्लीज सर, इसको जेल ले जाइए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ये मेरी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि जो मुझे मारने का सोच सकता है, मेरी जगह कोई भी इस गाड़ी से टकराता, सामने वाले बंदे की भी जान रिस्क पे आ सकती थी। कविता, बिना मैं सही किसी और का तो सोच लेती तू। मैडम, आपकी FIR इनके खिलाफ हो गई है और पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो इन्होंने करा है ना, उसके खिलाफ हम पूरा मुकदमा दर्ज करेंगे मैम। हाँ सर, अब सख्त से सख्त सजा दिलाना इसको, क्योंकि इसने जो किया है वो माफी के लायक तो। अगर मैडम इनकी सच में डेथ हो जाती तो आपका क्या होता? आपने जो गुनाह किया उसके खिलाफ आपको सजा जरूर मिलेगी। इसको क्या फर्क पड़ता है? ये तो चाहती थी ना प्रॉपर्टी के लालच में आके, इसने क्या कुछ नहीं कर दिया, इसको किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। सौतेले और सगे का फर्क तो आप दिख गया। सर, मैं चलती हूँ अपने घर, ये गाड़ी आप ले जाना थाने। मैडम आप जाइए, गाड़ी मैंने जब्त कर ली है और इनका तो थाने ले जाके बताएंगे। हो गया तुम्हारा प्रवचन, मुझे कुछ नहीं सुनना। और हाँ, जहाँ ले जाना ले जाओ, वैसे भी मेरे पापा 2 मिनट में मुझे छुड़वा लेंगे। पापा का घमंड दिखाओ मैडम, जो गुनाह आपने किया है ना उससे सख्त से सजा होगी आपको। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसमें सब रिकॉर्ड रखा है। तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट है? तुम अब भी मानने के लिए तैयार नहीं हो इस बात को? प्लीज एक्सेप्ट कर लो, मैं अपनी कंप्लेंट भी वापस ले लूंगी, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। अरे बस करो यार, ये नाटक मुझसे नहीं होता, बहन भाई वाला, ठीक है ना? तुम हो तो सौतेली बहन है मेरी, अब चुप रहो, मुझे तुम कुछ नहीं सुनना। और हाँ, आप भी चुप रहो, ये रिश्वत खाने वाले इंस्पेक्टर, जहाँ ले जाना ले जाओ, अभी मेरा टाइम वेस्ट मत करो यार। मैं आप पे हाथ नहीं उठा सकता, मेरे को राइट नहीं बनता, वरना मैं आपको अच्छे से समझाता। कोई इंसान मुझे जेल पहुंचाना चाहता है, ऊंची आवाज में बात मत करिए। मैडम आप इतना ही दया रही ना, तो बोलो कि कहीं ना ले जाए मुझे। मैडम आप आराम से बात करिए। अरे जिस भी इंसान को उसकी गलती की सजा ना मिले, तब तक कैसे एहसास होगा? अच्छा तो तुम कहती हो कि तुम मेरी बहन हो, अच्छा कौन सी बहन उसे जेल पहुंचाती है? बस करो अपना ड्रामा, मत दिखाओ मुझे रोके, ठीक है ना? और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने ये गाड़ी में ब्रेक फेल करा है? अरे मैडम सबूत की बात नहीं है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। सर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको पता है ये आखिर है तो मेरी बहन। कविता देखो, तुमने जो करा वो जाने अनजाने में गलती कर दी, ठीक है, तुमसे ना समझी में ये गलती हो गई है। मैं सजा, अपनी कंप्लेंट सब वापस ले लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बहन। लेकिन बस एक बार इतना बोल दो कि तुमने ये क्यों कर दिया, इतना कौन सा लालच था तुम्हें? सब कुछ तो तुम्हारा था ना, पापा 1 मिनट में सब कुछ तुम्हें दे देते। लेकिन बुराई का साथ दे रहे हो मैम, आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया इन्होंने। आपको पता है सर कितने रिश्ते अपनों की वजह से कमजोर पड़ जाते हैं, और आज मेरे साथ वही है। ये मुझे भले अपनी बहन ना मानती हो, ये भले मुझे ये कहती हूँ मैं इसकी सौतेली बहन हूँ, पर ये मेरी सगी बहन है। मैं आपसे थाने में मिलती हूँ। मैडम आप कोऑपरेट करिए और गाड़ी में बैठिए।